अंकिता हम कोशिका सिद्धांत कोशिका की संरचना और कार्यात्मक क्षेत्रों की की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हाँ, अब हम दो प्रकार कोशिकाओं, पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं की चर्चा करेंगे ठीक है किंतु हम पादप और जंतु कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना का अवलोकन तथा पादप और जंतु कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच के अंतर की भी चर्चा करेंगे तो आओ शुरू करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका के प्रकार की पहचान करना पादप कोशिका और जंतु कोशिका के लक्षणों को जानना पादप और जंतु कोशिका के बीच अंतर समझना प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण जानना प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका आवरण को समझना प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंडों के लक्षण जानना और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर समझना कोशिका के प्रकार हमारे पास दो प्रकार की कोशिकाएं हैं पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पादप कोशिका के लक्षण पादप कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीवद्रव्य कहलाते हैं कोशिका एक कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली से घिरी होती है पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य झिल्ली से घिरी कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति सेल्यूलोस की बनी और दृढ़ होती है इसलिए यह पादप कोशिका को सहारा प्रदान करती है केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है रसधानी पादप कोशिका के लिए एक संग्रहण क्षेत्र है जिसमें शर्करा लवण और वणकों का बना कोशिका रस होता है पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है ये वो स्थान है जहां कोशिका के भीतर प्रकाश संश्लेषण होता है जंतु कोशिका के लक्षण जंतु कोशिका के सभी सजीव पदार्थ जीवद्रव्य कहलाते हैं कोशिका कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली से घिरी होती है केंद्रक कोशिका का, का नियंत्रण केंद्र है जो कोशिका द्रव्य द्वारा घिरा होता है कोशिका द्रव्य का, का नब्बे प्रतिशत भाग जल का बना होता है कोशिका द्रव्य के भीतर अनेक अंगक होते हैं अधिकतर कोशिकीय गतिविधियां कोशिका द्रव्य में होती हैं पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है पादप कोशिकाओं में कोशिका का आकार नियत होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण कोशिका का आकार नियत नहीं होता है पादप कोशिका में जीवद्रव्य परिधीय होता है जबकि जंतु कोशिका में यह पूरी कोशिका में भरा होता है पादप कोशिकाओं में केंद्रक परिधीय जीवद्रव्य में स्थित होता है और अंडाकार होता है जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित होता है और गोलाकार होता है पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी कोशिका रस के साथ मध्य में स्थित होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानी यदि उपस्थित होती है तो बहुत कम और छोटी होती है पादप कोशिकाओं में प्राय क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्राय अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जिसके कारण प्रायः केन्द्रक में उपस्थित पदार्थ कोशिका के केंद्रीय भाग में विसरित होकर कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं कोशिका आवरण और इसके रूपांतर के लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होता है जो तीन स्तरीय संरचना का बना होता है सबसे बाहरी परत ग्लाइको कैलिक्स मध्य परत कोशिका भित्ति और सबसे भीतरी परत जीवद्रव्य झिल्ली है ग्लाइको कैलिक्स या तो ढीली आच्छद रूप में होती है जो अवंपक परत कहलाती है या मोटी और कठोर परत के रूप में होती है जो संपुटिका कहलाती है कोशिका भित्ति कोशिका को मजबूत संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है जो कोशिका को फटने या निपातित होने से बचाती है ये कोशिका को आकार भी प्रदान करती है द्रव्य झिल्ली यूकैरियोट के जैसे ही अर्द्धपारगम में होती है हैंस क्रिस्टियन ग्राम द्वारा खोजी गई ग्राम अभिरंजन विधि के अनुसार जीवाणुओं को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है ग्राम धनात्मक जीवाणुओं में कोशिका आवरण की पेप्टीडोगलाइकेंस क्रिस्टल बैगनी अभिरंजित होती है ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं में कोशिका आवरण की पैप्टीडोगलाइकेंस क्रिस्टल बैगनी अभिरंजित नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के मीसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक विशिष्ट कलामय संरचना मीसोसोम पाई जाती है यह कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से बनती है मीसोसोम श्वसन और श्रावी प्रक्रिया में सहायता करता है मीसोसोम जीव द्रव्य झिल्ली की सतह में वृद्धि करने में भी सहायता करता है जिसके परिणामस्वरूप कोशिका की एंजाइम मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है मीसोसोम कोशिका भित्ति के निर्माण डीएनए प्रतिकृति और संतति कोशिकाओं के वितरण में भी सहायता करता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के राइबोसोम के लक्षण प्रोकैरियोट में राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के होते हैं और कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं राइबोसोम दो उप इकाइयों पचास एस और तीस एस इकाइयों के बने होते हैं जो आपस में मिलकर सत्तर एस राइबोसोम बनाते हैं राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं अनेक राइबोसोम एकल एमआरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं बहुसूत्र का एक राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में बदल देता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गमन प्रोकैरियोट चलायमान या अचलायमान होते हैं जब वे चलायमान होते हैं तो उनमें कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ कशाभिका होती हैं ये कशाभिका पतली और तंतुमय होती हैं कशाभिकाएँ तीन भागों से मिलकर बनी होती हैं तंतु अंकुश और आधारी शरीर तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग है जो कोशिका सतह से बाहर की तरफ निकलते हैं कशाभिका एक या अनेक हो सकती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की सतह पर पिल्ली यानी रोम और झालर भी पाई जाती है रोम विशेष प्रोटीन के बने होते हैं और लंबी नलिकाकार संरचनाएं होती हैं झालर लघुशूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्विष्ट पिंडों के लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ अंतर्विष्ट पिंडों के रूप में कोशिका द्रव्य में संचित होते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसी कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पांच माइक्रोमीटर से छोटी होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं दस माइक्रोमीटर से बड़ी होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सदैव एक कोशिकीय जबकि यूकोरियोटिक कोशिकाएं प्रायः बहुकोशिकीय होती हैं प्रो कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे केंद्रक और अंगक नहीं पाए जाते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे केंद्रक और अंगक होते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए गोलाकार और बिना प्रोटीन का होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए रेखीय होता है और प्रोटीन से जुड़कर क्रोमेटिन बनाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम छोटे 70S एस होते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम बड़े यानी 80S एस होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकीय कंकाल नहीं होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हमेशा कोशिकीय कंकाल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं दृढ़ घूर्णी कशाभिका द्वारा गति करती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पक्ष्याभिकाएँ या कशाभिकाएं हिलाकर गति करती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं द्विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धसूत्री या सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं क्या आप जानते हैं केंद्र काप जीनोफोर भी कहलाता है जब प्लाज्मिट जीवाणुओं के केंद्र काप के साथ जुड़ते हैं तो ये एपिसोम कहलाते हैं माइको में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति होती है झिल्ली से घिरे केंद्रक और कोशिकांगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाओं और इस कारण जीवों को यूकैरियोटिक या प्रोकेरियोटिक कहा जा सकता है एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका कोशिका झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य की बनी होती है जीवाणु पृथ्वी पर प्रत्येक वास स्थलों पर सर्वव्यापी हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं प्रायः एक से दस माइक्रोमीटर के बीच होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं विशिष्ट रूप से बड़ी होती हैं जो प्रायः 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आते हैं ऐसी कोशिकाओं में पूरी तरह से विकसित कोशिकांग नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जिसके कारण प्रायः केंद्रक में उपस्थित पदार्थ कोशिका के केंद्रीय भाग में विसरित होकर कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में आ जाते हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं